बॉलीवुड इंडस्ट्री में गोविंदा एकमात्र ऐसे एक्टर रहे हैं जिनकी बुरे के साथ साथ हमेशा तारीफ हुई है। ये तो पूरी इंडस्ट्री बोलती थी कि उसको साइन करो तो लेट आता है बस। मेरे हिसाब से लेकिन आज भी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्टर इज गोविंदा। इंसान ने टाइम की कदर नहीं की, आज टाइम ने उसकी कदर छोड़ दी। वो आदमी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमित जी को भारी पड़ गया था। इज सो गुड, इज सो टैलेंटेड। 1986 से अपने करियर की शुरुआत के कुछ ही सालों के अंदर गोविंदा ने बॉलीवुड पर अपना दबदबा जमा दिया। कौन सी अभिनेत्रियों के साथ आपने अभी तक फिल्में की? मैं तकरीबन 99% सभी हीरोइन के साथ काम कर चुका हूँ, बड़ी से लेकर तो छोटी तक। जहाँ उस समय बाकी सारे एक्टर एक्शन जॉनर में थे, तो वहीं पर गोविंदा ने अकेले कॉमेडी को संभाल रखा था। हमारे जनरेशन के अंदर उससे बेटर ना एक्टर आया है ना एक्टर आएगा, और वो है गोविंदा। यहाँ तक कि लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन ने खुद बताया कि सेट पर गोविंदा के एनर्जी लेवल को देखकर वे कमजोर फील करते थे। गोविंदा के पास उस समय इतना काम था कि वे एक ही दिन में 5-5 मूवी के सेट पर जाते थे। तो एक दिन में आप कितनी फिल्में करते हैं रिकॉर्ड? मेरा डिपेंड करता है, कभी कभी मैं 3 करता हूं शूटिंग, कभी 2 करता हूं, कभी 4 करता हूं, कभी 5 करता हूं। पर जो इंसान इतनी ऊंचाइयों पर हो, आज उनकी हालत ये है कि ऑडियंस तो छोड़ो, खुद बॉलीवुड वाले तक उन्हें नहीं पहुंचते। खासकर पिछले 10 सालों में गोविंदा तो जैसे गायब ही हो गए हैं। इस पर गोविंदा कहते हैं कि उनकी अच्छी पिक्चरों को बड़े मंच पर मौका नहीं मिलने दिया जाता था, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता था। आज से 9 वर्ष पहले जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए, ऐसी नजर आए कि ये हिट हो सकती है, somehow या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज का, या रिलीज हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज किया नहीं जा रहा। तो वहीं पर ज्यादातर लोगों का कहना है कि गोविंदा की इस कंडीशन का जिम्मेदार खुद गोविंदा है। गोविंदा को बहुत ही ज्यादा घमंड चढ़ गया था। पर क्या आपको पता है गोविंदा के डाउनफॉल का कारण सिर्फ इतना ही नहीं है? अपने करियर की शुरुआत के दमदार 15 सालों तक तो शायद ही किसी को नहीं लगा होगा कि गोविंदा को इस तरह से बुला दिया जाएगा। साल 2000 के बाद से गोविंदा की कॉमेडी की उस टाइप की फिल्में अब ज्यादा हिट नहीं होने लगी थी। अब ऑडियंस को सिचुएशनल कॉमेडी वाली फिल्में जैसे हेरा फेरी, खट्टा मीठा, गोलमाल, गरम मसाला जैसी फिल्में ज्यादा रास आ रही थी। अब गोविंदा की क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, आंखियों से गोली मारे, सैंडविच जैसी और भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर पिटने लगी। जब इस समय गोविंदा का करियर अच्छा नहीं चल रहा था, तब गोविंदा ने करियर पर फोकस करने के बजाय एक और बड़ी गलती की। उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और मूवीज पर फोकस कम कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अच्छे खासे वोटों से जीत हासिल कर ली, लेकिन अभी वहाँ पर भी वो अपनी आदत से पार्लियामेंट में मौजूद नहीं रहते थे, कोई सवाल नहीं करते थे, अपने मुद्दे नहीं उठाते थे। तो बॉलीवुड के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। लोग कहने लगे कि गोविंदा काम की कदर नहीं करते थे, काम पर लेट आते थे, वो अपने कोवर्कर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। तो इन सब का खामियाजा वो अब भुगतने लगे हैं। गोविंदा की पारिवारिक लाइफ भी बहुत ही ज्यादा खराब रही है। गोविंदा ने अपने परिवार में एक के बाद एक 11 लोगों की मौत को फेस किया है। उनके माता पिता, बेटी, बहन, कजिन, बहुत ही ज्यादा नजदीकी लोगों की मौत को गोविंदा ने फेस किया है। उनकी कंपनियां बंद हो गई थी, उनके पास कोई काम नहीं था, ये सारा बोझ गोविंदा पर आ पड़ा। उनके इस बुरे वक्त में बॉलीवुड के लोग उनका साथ छोड़ चुके थे। गोविंदा से भी ज्यादा गलत व्यवहार करने वाले, टाइम पर नहीं पहुंचने वाले और भी एक्टर हैं, पर उनके मुंह पर बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। दोस्तों, इस तरह से गोविंदा की एक सैड और डाउनफॉल स्टोरी हमारे सामने आती है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है गोविंदा के डाउनफॉल के पीछे क्या कारण है? कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी नई वीडियोस के लिए अंश न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।